देश के सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देना संसद का काम है, अदालत कानून नहीं बना सकती। इसके बाद देश में लगभग सभी धार्मिक समूहों ने अदालत के इस रुख का स्वागत किया है। मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया है। वैसे तो सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश की कई तंजीमों ने स्वागत किया है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। वहीं देश की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद ने भी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है, तो साइरो मलाबार चर्च ने भी इसे सही ठहराया है। इस्लाम में तो सेम सेक्स के साथ शादी पूरी तरह से हराम मानी गई है और इसको लेकर कुरान में सख्त हिदायत दी गई है। आइए जानते हैं कि सेम सेक्स पर इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में सेम सेक्स के साथ मैरिज करना हराम है। यहाँ हराम का अर्थ है पूर्ण वर्जित। दरअसल अरबी में हराम निषिद्ध या विधि के विरुद्ध को कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि हजरत लूत की कौम में ये बुराई फैल गई थी कि लोग औरतों के बजाय अपनी सेक्स संतुष्टि करते थे। कुरान के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस काम को करने से रोका, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसके बाद उनकी कौम पर अल्लाह का आजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ने उनकी बस्ती को पलट दिया। इस कौम पर पत्थरों की बारिश हुई। कुरान कहता है कि इसके बाद इस कौम का दुनिया से नामो निशान मिट गया। सेम सेक्स मैरिज पर पहले ही इस्लाम के विशेषज्ञ उलमा हजरात फतवा जारी कर चुके हैं। दारुल इफ्ता की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शरीयत ने जिंसी ख्वाहिश की तस्कीन यानी सेक्स संतुष्टि के लिए शुद्धता वाला रास्ता निकाह करना बताया है। इस हलाल रास्ते के अलावा किसी भी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरा करना हद से आगे बढ़ जाने की बिना पर नाजायज और हराम है। अरबी में हलाल का अर्थ होता है उचित, जायज या धर्म के अनुरूप। जानकार बताते हैं कि कुरान में सेम सेक्स मैरिज या समलिंगी विवाह का भी जिक्र आया है और इसके लिए कुरान की सूरह निसा में कहा गया है, और तुम में से जो कोई बदकारी का इर्तिकाब करे तो उन दोनों को सजा दो, अगर वो तौबा कर लें और अपना सुधार कर लें तो उन्हें सजा देने से गुरेज करो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। गौरतलब है कि इस्लाम में सेक्स को एक अप्रिय कार्य या ऐसी चीज के रूप में नहीं देखा जाता जिसे किसी भी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस्लाम में मुसलमानों के विवाहित होने को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि मुसलमान विवाह से पहले सेक्स न करें। इस्लाम में विवाह से पहले औरत और मर्द में सेक्स को भी हराम करार दिया गया है। ऐसे में समलैंगिक सेक्स और विवाह जैसी बातों पर मजहबी सख्ती शुरू से ही मजबूती से लागू रखी गई है। इसके अलावा हदीसों और उलमाए दीन के इल्म की बुनियाद पर भी सेम सेक्स और सेम मैरिज सेक्स को नाजायज करार दिया गया है। तिर्मिजी में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह कयामत के दिन उस व्यक्ति की ओर निगाह उठाकर नहीं देखेगा जो किसी मर्द या किसी औरत के पास पीछे के रास्ते में जाएगा, क्योंकि अप्राकृतिक रूप से दाखिल करने और वीर के निकलने से वीर नष्ट हो जाता है और इस्लामी शरीयत ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि प्राकृतिक तौर पर तैयार होने वाले कीमती जौहर वीर को नष्ट होने दिया जाए, इसलिए भी इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है।